90 के दशक में एक्ट्रेस जूही चावला का जलवा हमें बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलता था। बॉलीवुड की कयामत गर्ल जूही चावला का आज जन्मदिन है और 13 नवंबर को वो अपना जन्मदिन मनाती हैं। उनके जन्मदिन पर आज हम आपको उस किस्से के बारे में बता रहे हैं जिस वजह से सलमान और जूही चावला में अनबन हो गई थी। दरअसल उस दिन जूही चावला ने सलमान खान की जो बेइज्जती की उससे सलमान इस कदर दुखी हुए कि फिर कभी जूही चावला के साथ नहीं काम किया। जूही की उस हरकत को सलमान अभी तक नहीं भूल पाए हैं और जब भी मौका मिलता है वो जूही की उनकी हरकत का एहसास कराना नहीं भूलते हैं। आखिर क्या हुआ था उस दिन जब सलमान खान को जूही चावला पर इतना ज्यादा गुस्सा आया था? ताना चाहेंगे बात उन दिनों की है जब जूही चावला एक बड़ी स्टार थी। हर एक्टर उनके साथ काम करने के लिए सपने देखता था। उस वक्त सलमान के सितारे गर्दिश में चल रहे थे और फिल्में कुछ खास नहीं चल रही थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। निर्माता निर्देशकों के लिए सलमान अभी भी स्टार ही थे। एक निर्देशक सलमान खान जूही चावला को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म का ऑफर लेकर वो जूही चावला के पास गए, लेकिन जूही चावला ने पहले तो उस फिल्म के ऑफर को लंबे समय तक लटकाए रखा और फिर वो फिल्म करने से मना कर दिया। साथ ही जूही चावला ने सलाह दे डाली कि फिल्म में उनके साथ आमिर खान हो, लेकिन निर्देशक के मन में जूही और सलमान की जोड़ी थी लिहाजा उन्होंने जूही की बात जमी नहीं, लेकिन वो कर भी क्या कर सकते थे। सलमान को जैसे ही ये बात पता चली उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि जूही ने उनकी बेइज्जती कर डाली है। उस बेइज्जती को सलमान कभी नहीं भूल पाए और ना ही कभी किसी फिल्म में जूही के साथ काम किया। फिर वो दौर भी आया जब धीरे धीरे जूही चावला का स्टारडम कम हो गया और वो फिल्मों में साइड रोल या फिर मां के किरदारों में नजर आने लगी। वहीं दूसरी ओर सलमान खान बड़े स्टार बन गए। बताना चाहेंगे सलमान के मन में जूही को लेकर जो टीस थी वो आज भी बरकरार है। अभी भी सलमान खान जूही चावला को कुछ खास भाव नहीं देते हैं, जबकि जूही कई बार इच्छा जता चुकी है कि वो सलमान के साथ काम करें। कई बार उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने सभी एक्टरों के साथ काम किया है लेकिन सलमान के साथ नहीं। और उनके इस बयान से साफ कहा जा सकता है कि जूही चावला आज भी सलमान के साथ फिल्म करना चाहती हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब जूही की इस इच्छा पर सलमान ने उन्हें फिल्म में उनकी मां बनने का ऑफर दे डाला। जाहिर है इसे जूही को शौक लगा कि उम्र इतनी नहीं हुई कि वो मां का रोल करे और भी सलमान की मां का, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान ने इस ऑफर के जरिए जूही चावला से अपनी बेइज्जती का बदला ले ही लिया था। ये तो हो गई जूही चावला और सलमान खान से जुड़ी एक दिलचस्प किस्सा। इसी के साथ ही अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो भाईजान सलमान खान इन दिनों अपने सुपर डुपर हिट टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 को लेकर और दबंग 3 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं। वहीं पर सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म राधे फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर ली है, जिसे साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। ओम रावत के निर्देशन में बनी फिल्म तानाजी दी अंशक वॉरियर की बात करें तो इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के गलियारों में काफी बज देखने को मिल रहा है। बताना चाहेंगे अजय देवगन ने इस फिल्म में काम करने के लिए करीब 1.5 सालों से मेहनत की है। 1.5 सालों तक तानाजी दी अंशक वॉरियर पर अजय देवगन का फोकस रहा है और इस फिल्म में एक बार फिर से अजय देवगन और सैफ अली खान की हमें जोड़ी देखने को मिलेगी। साथ ही काजोल का भी इस फिल्म में काफी अहम रोल होने वाला है। अब तक आपने इस फिल्म से जुड़े कई सारे लुक पोस्टर देखे होंगे, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे जानकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हाँ, तानाजी दी अंशक वॉरियर का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे इस फिल्म के ट्रेलर को 19 नवंबर 2019 को रिलीज किया जाना है। जी हाँ, 19 नवंबर 2019 को फिल्म तानाजी दी अंशक वॉरियर का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे तानाजी दी अंशक वॉरियर को शाहरुख खान और अक्षय कुमार का भी साथ मिल गया है। शाहरुख खान ने अपने अंदाज में तानाजी दी अंशक वॉरियर का भी हाल ही में एक पोस्टर रिलीज किया था। साथ ही अब खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी तानाजी दी अंशक वॉरियर का दूसरा पोस्टर रिलीज कर चुके हैं। ऐसे में खिलाड़ी अक्षय कुमार और बॉलीवुड के रोमांस किंग कहलाए जाने वाले शाहरुख खान का साथ तानाजी दी अंशक वॉरियर को मिलता दिख रहा है। साथ ही अब इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। सभी जानते हैं ताना मालसुरे की कहानी पर आधारित होने वाली है तानाजी दी अंशक वॉरियर, जिस फिल्म में तानाजी मालसुरे का किरदार अजय देवगन निभाने वाले हैं। वहीं पर सैफ अली खान इस फिल्म में उदय भान का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है जब ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है फैंस को भी इस फिल्म के जरिए एक बेहतर एंटरटेनमेंट फिल्म मिलने वाली है।